यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द सर्फेसिस यूज्ड इन डेली लाइफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज लेस देन वन, है ना। इज इट ऑलवेज नेसेसरी दैट द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज लेस देन वन? तो को कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। मतलब ये क्वेश्चन करना मतलब अपने मिसकॉन्सेप्शंस खत्म करना, ये तुम्हें सोचने पे मजबूर करता है। ये क्वेश्चंस तुम्हें वहां ले जाते हैं जिसके बारे में तुमने शायद सोचा ना हो ना। हाँ, तो देखो जनरली अपन जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं, मैक्सिमम चीजों के तुम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सर्च मारोगे, सो दे आर जनरली बिटवीन 0 to 1। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, तो कंपलसरी है क्या? तो आंसर इज नो। ऑफकोर्स दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ क्वेश्चन जो तुम सॉल्व करके निकालो, दिस इज फैक्ट बेस्ड। ऐसे भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जिनका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 1 से ज्यादा होता है। जैसे एक एग्जांपल है ना, सिलिकॉन रबर, है ना, और बाकी का डेटा तुम्हें जाके चेक करना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी ना। पर मैक्सिमम मटेरियल्स के 0 से 1 के बीच में होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, है ना। बट फॉर सिलिकॉन रबर इट इज लाइक मच लार्जर देन 1, है ना। फॉर सिलिकॉन रबर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज मच लार्जर देन 1, है ना। तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अगर 0 हो जाए इसका मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जो आइडियल होता है, है ना। एयर हॉकी वगैरह में बहुत कम होता है, लेट्स से टेंडिंग टू 0, आइस वगैरह पे भी बहुत कम होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, है ना। बाकी जनरली 0 से 1 के बीच में रहता है। अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 1 के बराबर हो जाए इसका मतलब क्या है? इसका कुछ नहीं मतलब, इसका बस इतना सा ही मतलब है यार, अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 1 हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ खास मतलब नहीं, और 1 से ज्यादा हो सकता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा। मान लो नॉर्मल 100 न्यूटन है, फ्रिक्शन फोर्स 120 न्यूटन भी हो सकता है अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तुम्हारा 1.2 है। तो हाँ हो सकता है, इसका आंसर क्या है? हाँ हो सकता है।